बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जेवर रोड स्थित गांव नूरपुर में चुनाव के बाद विरोधी पार्टी के समर्थकों पर किया गया जानलेवा हमला, जो कि बाद में बदल गया खूनी संघर्ष में। हमले में एक पक्ष के 5 लोग हुए हैं गंभीर रूप से घायल। हमले में नहीं बख्शा गया महिलाओं और बच्चों को भी। पीड़ित पक्ष ने बुरी तरह घायल होने पर कोतवाली में दी है तहरीर। पुलिस घायलों को उपचार के लिए लाई राजकीय चिकित्सालय। पुलिस ने अपेक्षित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच कर दी है शुरू। ज्ञान न्यूज सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। जिले के सिकंदराबाद के नूरपुर के गांव में चुनाव को लेकर हुई है खूनी रंजिश, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि यहां के राजकीय चिकित्सालय में कई आदमी घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, जो कि काफी गंभीर घायल हैं। उनमें से कुछ और भी हैं, उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं और मालूम करते हैं कि कुल मिलाकर कितने घायल हैं और क्या मामला था। बहुजी, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। तो आपके चोट किस मामले में लगी? ऐसा हमारा भतीजा खेत पे था जी, और ये पार्टी वाला जा रहे थे पास ही पास में दो आमने सामने जी, तो उसके चक्कर में जो ये बुग्गी लेके जा रहा था, वो अपने चारा लेके आ रहा था, ये मार्केट में हुई ये प्रधानी के लिए जैसे और क्या। तो कौन सा पक्ष है वो जैसे जो हारे हैं या जीते हैं, कौन लोग हैं? भूतपूर्व प्रधान। भूतपूर्व प्रधान। हाँ सर, मैं आपके जो चोट लगी है ये भी उसी संबंध में लगी है? वही संबंध, भूतपूर्व प्रधान ने उस हमारे चाचा के लड़के पर हमला करा, हम सुन के गए तो उसने मेरे भी वो मारा। या तो ये टिकट नहीं तो करें, ये कितने आदमी घायल हुए हैं? हम हमारी तरफ से 5 आदमी जो गंभीर घायल, जो गंभीर सुनने में आया तो कुछ महिलाएं भी घायल हुई हैं? कुछ महिलाएं भी हमारे पर ईंटों से, उन पे ईंटों से मारा, हम पे मारा, क्या नाम फरसान लगा मेरे धारदार हथियार से, धारदार हथियार से एक फटा, और उन चाचा भी फटे, वो भी चाचा फटे, इनके मारे दड़ा दड़ा, अरे उनके पिताजी ने फावड़े से। तो ये केवल ये हार की वजह से ये जबकि इसका जो भूतपूर्व प्रधान है, इसका पापा वो 307 की जमानत पे सजा हुए पे छूटा हुआ, उसकी हर 30 महीना रहा है नूरपुर में, हर 30 महीना। क्योंकि पूर्व पहले भी वो अपराध जैसे पूरे हर 3 महीना में, 2 महीना में, 3 में नूरपुर में फेमस है चंद्र सेन और राजकुमार अरेश कुमार, फेमस है इनकी हिस्ट्री शीटर हो जाए। जैसा कि बुजुर्ग वाल ने बताया कि कुल मिला के 5 आदमी गंभीर रूप से घायल हैं, उसके अलावा और भी हैं, महिलाएं भी घायल हैं, एक बच्चा भी यहाँ पर नजर आ रहा था, कुछ अन्य भी घायल हैं, और पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और पुलिस द्वारा डॉक्टरी करवाने के लिए यहाँ पर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में आए हुए हैं। देखना ये होगा कि इस कोरोना काल में पुलिस उनको कब तक पकड़ पाने में सफल होगी, कितना इसको समय लगेगा। कैमरा पर्सन मनोज गौतम के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, ज्ञान न्यूज सिकंदराबाद।